नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केडसिक्स में। आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी की जहां पे आंगनवाड़ी की वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ महिला छात्राएं देख सकती हैं, क्योंकि यहां पे पुरुष के लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। तो इस वीडियो को वही छात्र देखें जो कि महिला छात्रा है। आंगनबाड़ी में भर्ती निकली है, कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि उम्र सीमा 45 वर्ष तक की है और 5वीं से लेकर 10वीं छात्र पास अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी निकाली गई है उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों एक जिला जिसके बारे में हम ये सारी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। तो जिला के अनुसार ये वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वीडियो को वही छात्र देखेंगे जो छात्राएं हैं जो कि इसके लिए आवेदन योग्य हैं। तो चलिए अब मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं, जहां पे इसके बारे में सारी डिटेल आपको ऑफिशियली बताई जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ जो छात्र बिहार दरोगा, बिहार एसआई और बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहा है, वो हमारे साथ एप्लीकेशन पे हमारे जुड़ सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तो वहां से जाके हमें ज्वाइन भी जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपको इस वीडियो के बारे में सारी अपडेट यहाँ से देना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा आंगनबाड़ी। जी हाँ दोस्तों, आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और सहायिकाओं के लिए यह मानदेय पर आधारित है, संविदा आधारित नियुक्ति, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और देन जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं, लेकिन उससे पहले जो भी छात्र यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन देखना चाहता है, यहाँ पे क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके सारी डिटेल पढ़ सकता है। दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जहां से हम आपको सारी डिटेल आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है ज्यादा कि आप इसके, जी हाँ, आप इसके इंस्ट्रक्शन को पढ़िए जहां से आपको सारी डिटेल पता चल सकेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो भी छात्राएं इसके लिए आवेदन करने योग्य हैं वो इसके लिए आवेदन जल्द ही कर लीजिएगा। आवेदन करने की जो तिथि है वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को एक बार झलक जरूर देखेंगे। तो ये वो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन पर लेकर आ चुका हूँ आपको। फॉर्म भरने से पहले आप इस इंस्ट्रक्शन को जरूर एक बार पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आवेदिका है वो सुझाव दिया गया है कि आवेदन पत्र भरने से पूर्व अनुदेशों को पूरा पढ़ लें। आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन भर सकती हैं। विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट पर सारे डिटेल दिया गया है। आवेदिका को कोई भी प्रविष्टि करने अथवा विकल्पों का चुनाव करने से पहले उनको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो भी तारांकित किया गया है नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन, आपको उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ही फॉर्म भरेंगे। तो आवेदन करने से पूर्व यहाँ पे कोई, मैं बता दूं कि आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे विदाउट शुल्क आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं, एक्चुअली कर सकती हैं। चयन की कार्यवाही जनपद के स्तर पर है, यानी कि जनपद जिस विभाग में यहाँ पे इनकी नियुक्ति लेगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी संघ का समाधान है तो जिलाधिकारियों को, जिला कार्यक्रमियों को यहाँ पे भेजा जा सकता है समाधान करने हैं। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने समय दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी जो प्रविष्टियाँ हैं वो हिंदी में और नंबर अंकों की पर अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन सभी का उपयोग वर्जित है। यहाँ पे इन सभी डॉट्स, एक्सक्लेमेशन, जितने भी ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, इनकी उपयोग नहीं करना है फॉर्म भरते समय। आवेदिका को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने ऑनलाइन आवेदन संबंधित व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि यहाँ पे दिया गया है, जन्म तिथि, आधार नंबर, सामान्य आईडी आदि किसी भी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करेंगी। जी हाँ, ये सारा डिटेल आपको यहाँ से मेंशन कर दिया गया है। और दोस्तों, आवेदिका को बता दें कि कृपया ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी स्तर का बदलाव अनुमानित नहीं होगी, यानी कि एक बार जो फॉर्म गलती हो गया दोबारा आपको फॉर्म का भरने का मौका नहीं दिया जाएगा और ना ही सुधारने का। ऑनलाइन आवेदन पत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध है जिसे कि आवेदिका द्वारा अंग्रेजी या हिंदी दोनों ही भाषाओं में भर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र 4 भागों में रखा गया है, इसका फॉर्म मैं आपको दिखलाऊंगा अभी और वहां से आप इसका फॉर्म निकाल के भर सकती हैं। पंजीकरण, देखिए आपको बता दें कि जो भाग एक है उसमें उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण मांगा गया है, यानी कि आपका एप्लीकेशन में जो भी सेफ डिटेल है वो मांगा गया है। उसके अलावा दोस्तों विवरण की जांच करें और यदि कोई ना कोई यहाँ पे रह जाए
कोई कॉलम छूट जाए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसको इस यहाँ पे पंजीकरण करने से पहले सारा डिटेल पहले पता करेंगी, उसके बाद ही आवेदिका यहाँ पे इस फॉर्म को भरेंगे। नहीं तो भविष्य में संदर्भों के लिए पंजीकरण नंबर को करार रखा जाएगा और उसको रद्द भी किया जा सकता है। तो ये पहला जानकारी आपको कि भाग वन में आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा, आपके नाम, आपके ईमेल आईडी, आपके फोन नंबर को लेकर ये सारा बैक यहाँ पे किया गया है। पंजीकरण दो में आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जाएगा, ग्रेड आपका पूछा जाएगा, सीजीपीए जो भी है, प्रतिशत के बारे में पूछा जाएगा, जो भी आपका ग्रेजुएशन में है या ट्वेल्थ पास है या फिर दसवीं पास है, जो भी है आपका डिटेल। यहाँ पे पांचवी से लेकर दसवीं तक के छात्र तक भी आवेदन कर सकती है जो पास है। तो पंजीकरण भाग तीन में क्या है, तो आवेदिका से उनका फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अपलोड कराया जाएगा, स्कैन किया हुआ फोटो जेपीजी पीएनजी प्रारूप में हो तो चाहिए। यहाँ पे फोटोग्राफ का डिजिटल आकार 20 केबी से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आवेदिका द्वारा अपनी फोटो अपलोड करने के बाद स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगी और डिजिटल आकार में इसका सिग्नेचर जो है 10 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया आपका नोटिफिकेशन का अपडेट है। और भाग चार जो है अंतिम होगा आपका, आवेदिका को घोषणा पत्र पे साइन करना होगा, यहाँ पे टिक करना होगा और वहां पे बताना होगा कि जो सारी डिटेल आप भरी है भविष्य में इसके सुधार का आप नहीं कर सकती हैं, इसको लेकर एक बटन दबाया जा सकता है और आवेदिका अपने आवेदक फॉर्म को फाइनली सबमिट करेंगी और इसको ड्राफ्ट है तो प्रिंट के तौर पे ले सकती हैं। पहले आपका ड्राफ्ट देखिएगा, पूरा प्रिंट निकाल के बार पढ़ लीजिएगा उसको कि आप सही सही भरी हैं और उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। अगर एक बार गलती हो गया, कोई चीज़ डिटेल यहाँ पे आप छूट गया तो आपसे फिर दोबारा फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा, नहीं भरने का मौका मिलेगा। ठीक है, आवेदिका जो है आवेदन फॉर्म के सफलता जमा करने के पश्चात आवेदिका जो है पंजीकृत यानी कि जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है उसको स्वचालित रखेंगी, क्योंकि उसी पे आपको एक मोबाइल पे SMS आएगा जैसे फॉर्म भरेंगी और उसको यहाँ पे प्रविष्ट करके आपको इसको एक्टिव भी करना होगा। महत्वपूर्ण सूचना दी गई है दोस्तों, आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र है देने के बाद आवेदिका को जो पात्रता है वो चयन के आधार पर उसका लिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपका जो शॉर्ट डिटेल किया जाएगा उसमें आपका लिस्ट को जारी किया जाएगा और सत्यापन हेतु आपको मांगे गए दायित्व को आवेदिका का दे होगा, यानी कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे भराया जा रहा है वो आपको फाइनल सिलेक्शन के समय भी मांगा जाएगा। सिंपल सी बात है, जो भी आंगनबाड़ी में सेविकाओं का जैसे रिक्रूटमेंट होता है उस तरीके से यहाँ पे सारा प्रोसेस होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बात कर सकती हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर मेल करके ये सारी जानकारी ले सकती हैं। ये तो हो गया दोस्तों इंस्ट्रक्शन इसको फॉर्म को भरने का, जितने दिशा निर्देश दिए गए हैं इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आपको यस पे बटन पे क्लिक करना होगा और आपके इसके फॉर्म वाले पेज पे जाना होगा। अब यहाँ से दोस्तों जिला और परियोजना द्वारा सर्च आंगनबाड़ी रिक्तियों की खोज करें तो आपको यहाँ पे भरना होगा दोस्तों दो जिले का, कुशीनगर और एक शामली, ये दो जिले की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलो शामली के लिए आप यहाँ पे आवेदन करते हैं। परियोजना कौन सा है तो आपका ये बताना होगा, सपोज मान लीजिए ग्रामीण कौन सा क्षेत्र है आपका तो ग्रामीण क्षेत्र होगा या फिर शहरी क्षेत्र होगा तो शहरी बताइएगा और यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आपका ग्राम सभा। तो ग्राम सभा सपोज मान लीजिए कि आपका सेहपत है तो यहाँ पे पद का नाम आंगनबाड़ी सहायिका, तो आंगनबाड़ी सहायिका के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और यहाँ पे सर्च कीजिएगा, यहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि दोस्तों यहाँ पे एक ही पद रिक्त है, यहाँ पे हर एक जिले का आपको यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, हर एक जिले में जो भी ग्राम सभा आपकी परियोजना है उसके लिए बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा मैं मदवार डाल के देखा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हमने इसको शामली जिला कर दिया और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में और इसमें सपोज यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पे भी हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखिएगा इन सभी पदों पे यहाँ पे चार वैकेंसी है टोटल। तो इसी तरह से करके जितने भी यहाँ पे ग्राम सभाएं दी गई हैं इन सभी ग्राम सभाओं में एक एक दो दो तीन तीन चार चार करके वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। तो आप टोटल वैकेंसीज की बात कर ले तो 320 पदों की टोटल वैकेंसी है लगभग, है ना, तो आवेदन यहाँ पे कर सकती हैं। तो ये छोटा सा डिटेल था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो कि हमने आपको यहाँ से बताया है, फॉर्म को कैसे भरना है, इसके सारे इंस्ट्रक्शन, इसका जो PDF दिया गया इसको भी आप एक झलक जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा या जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक बताएंगे इस वीडियो के माध्यम के डिस्क्रिप्शन में जो भी आपके अपडेट होंगे उसको लेकर। तो आप यहाँ पे बिहार से हैं तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं, जी हाँ आपके पास UP का डोमिसाइल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आंगनबाड़ी के लिए जो कि सहायिका के लिए ये वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए। तो ये एक छोटा सा डिटेल था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से, जो छात्राएं यहाँ आवेदन करना चाहती हैं आवेदन करेंगी और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही दोस्त, यहाँ पे इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का, धन्यवाद।